गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि YouTube में लॉक कैसे लगाते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहां पे मैं जैसे YouTube को ओपन कर रहा हूं तो YouTube में लॉक लग के आ रहा है। तो दोस्तों, इससे क्या होता है, लॉक लगाने से यहां पे किसी को अगर आप लोग अपना फ़ोन दे देते हैं तो क्या होता है, वो आपके फ़ोन से बार बार YouTube को ओपन करता है। आपके परिवार में कोई बच्चे होते हैं, वह सारे यहाँ पर जो लोग होते हैं, पर्सन होते हैं, वो आपके YouTube को ओपन करते हैं और यहाँ पर आप लोग चाहते हैं कि वो आपके YouTube को ओपन ना कर पाएँ। इसके लिए आप लोग अपने YouTube एप्लीकेशन में लॉक लगाना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं पता होता है कि YouTube की एप्लीकेशन में जो है लॉक कैसे लगाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं यही सिखाऊंगा कि आप लोग अगर अपना YouTube एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो यहाँ पे लॉक नहीं लगा है, तो उसमें आप लोग लॉक कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है सोनू कुशवाहा और आप सभी लोगों का हमारे स्टैक टेक्निकल एस के चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, अभी मैंने अपने स्मार्टफोन को उसी कंडीशन में कर लिया है यहाँ पे। तो हमारे फ़ोन में अभी मैं एप्लीकेशन जो YouTube की एप्लीकेशन है उसको मैं ओपन करूँगा तो जो है स्मूथली, ये मतलब जो है परफेक्टली ओपन हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे अभी मैंने इसमें जो लॉक लगा हुआ था तो मैंने इसको हटा दिया है, तो यहाँ पे ये जो है अपने आप ही ओपन हो रहा है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे आप लोगों को अपने YouTube में लॉक लगाना है, तो इसके लिए आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे आप लोग को जाना होगा सेटिंग में। तो यहाँ पे आप लोग को सभी के फ़ोन में सेटिंग मिल जाती है, सेटिंग चले जाइए और यहाँ पे नीचे आइए, स्क्रॉल करके यहाँ पे आप लोग को कहीं ना कहीं आप लोग को सेटिंग में जो है एप्लीकेशंस या ऐप्स का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये रेडमी की डिवाइस है और यहाँ पे अगर आपके पास वीवो की डिवाइस होगी तो वहाँ पे एप्लीकेशंस का ऑप्शन आएगा, और रेडमी की डिवाइस होगी तो ऐप्स का ऑप्शन आएगा। यानी कि एप्लीकेशन का कोई भी ऑप्शन आता है तो वहाँ पर आप लोग को सिलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नीचे साइड में आप लोग को एक ऐप लॉक का ऑप्शन मिल जाता है, तो जस्ट आप लोग ऐप लॉक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे टर्न ऑन का ऑप्शन बोल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं टर्न ऑन करूँगा इसको। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को जो है एक पैटर्न बना लेना होगा, तो यहाँ पे मैं अपना पैटर्न बना लेता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे ये देख सकते हैं ड्रॉ डी पैटर्न अगेन टू कंटिन्यू, तो यहाँ पे मैं फिर से अगेन दोबारा जो है पैटर्न जो है दोबारा से मैं बना लेता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वाले जो ऑप्शन पर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये बोल रहा है ऐड योर MI अकाउंट, तो मैं यहाँ पे इसको MI अकाउंट से ऐड कर लेता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं ये व्हाट्सअप लॉक है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप लोगों का जो यूट्यूब है वो भी लॉक हो चुका है, तो यहाँ पे मैं जिसे लॉक नहीं करना चाहता हूँ उसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ यहाँ से, और सिर्फ अपना YouTube एप्लीकेशन है उसको यहाँ पे मैं लॉक लगा के रखूँगा। इसके बाद यूज़ ऐप लॉक का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो मैसेंजर है इसको भी मैं हटा देता हूँ, सिर्फ अपना YouTube एप्लीकेशन यहाँ पे लॉक लगा के रखूँगा। इसके बाद यहाँ पे लॉक लग गया हमारी एप्लीकेशन में। इसके बाद मैं जाता हूँ वापस से, और इसके बाद मैं YouTube की एप्लीकेशन को ओपन करूँगा तो इसमें लॉक लग के आएगा। इसके बाद मैं इसमें जो है मैंने पैटर्न बनाया था वो डालूंगा, तभी ये यहाँ पे अनलॉक होगा YouTube। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से आप लोग बिल्कुल इजीली आप लोग अपने YouTube की एप्लीकेशन में लॉक लगा सकते हैं। तो दोस्तों, बस यही थी आज की वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आप लोग जो है जान चुके होंगे कि आप लोग अपने YouTube की एप्लीकेशन में लॉक कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग को अपने YouTube की एप्लीकेशन में लॉक लगाने में कोई भी दिक्कत या परेशानी आ जाती है तो आप लोग मुझे कॉमेंट करके पूछ लेना, मैं आप लोग को वहाँ पर रिप्लाई दे दूंगा। और हाँ गाइस, अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो जाइए वहाँ से मुझे फॉलो कीजिए और आप लोग मुझसे जो भी बात करना चाहते हैं वहाँ पे कर लीजिए। तो गाइस, इस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो जरूर से एक लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन आ जाएगा उसे जरूर से प्रयास कर लेना, जो कि मैं जब भी इस तरह की वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत से आप लोग को मिल जाए। तो गाइस, अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।